कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज हम बनाना भी आपको ये बताएंगे क्या नॉर्मल पानी में करंट फ्लो करता है कि नहीं, करंट फ्लो कितना हाई करता है नॉर्मल पानी में और कितना कम करता है ये भी आपको बताएंगे, और कितनी रेजिस्टेंस बताएंगे उसमें, और आपको ये भी बताएंगे अगर वो पानी में करंट ज़्यादा फ्लो करवाना है तो कैसे करवाएं। और जैसे उसमें नमक का पानी कहते हैं, बहुत से नमक की बैटरी पानी डालो, ये डालो वो डालो, गाइस नमक का पानी डालने से बैटरी प्रॉपरली खराब हो जाएगी, इसलिए नमक का पानी एक तरीके से कार्बन इलेक्ट्रॉन का काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ का, मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल पानी में टेस्ट करूंगा उसमें बिजली की डेंसिटी कैसी है, और मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसा उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? आपको मैं यहाँ पर रखता हूँ मोबाइल, आपको मैं दिखाता हूँ नॉर्मल पानी पर। आप सही है, देखो गाइस नॉर्मल पानी पीजिए, देखो ये आपको थोड़ा स्पीड में दिखाएंगे प्रोसेस, मैं आपको अब आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए गाइस, ये सीरीज है एक तरीके की, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ डेंटिस्ट की कितनी है। गाइस पानी बॉयल हो रहा है, और जितना पास ले जा रहा हूँ उतना बॉयल हो रहा है पानी, देख सकते हो गाइस। अगर मैं इतना डुबूंगा बल्ब इतना जलेगा, डबो दिया मैंने, ये मैंने पूरा डबो दिया है, बल्ब इतना जल रहा है, अपनी दूरी पर भी देख सकते हो इतनी दूरी पर बल्ब इतना जल रहा है। और मैं ये पास लाऊंगा, अब ये मैंने इसको थोड़ा और पास लाया है, निकल जा रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, देख सकते हो पानी बॉयल हो रहा है तरीके से, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो पानी बॉयल हो रहा है, आपको दिख रहा हो अच्छे से। अब देख सकते हो गाइस मैं इसमें ये डाले तो हूँ, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब पानी इतना बॉयल हो रहा है। अब गाइस मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऑन करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करके देखते हूँ, डर लग रहा है, डायरेक्ट करने में कुछ नहीं हो रहा वैसे। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऑन डालूंगा, इसमें नमक, मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा, मैं सिर्फ दो चम्मच के बराबर नमक डालूंगा, एक दो, दो चम्मच के बराबर मैंने नमक डाला है, उसको घोल लेता हूँ अच्छे से। गाइस नमक घोल चुका है, अब मैं इसको फिर से डालूंगा, ये देख सकते हो पानी डेंसिटी कितनी हो गई है, ये देख सकते हो कितनी दूर करें वो बल्ब, देखो फुल जल रहा है बल्ब। अब गाइस समझ ही सकते हैं इसमें कितनी पावर है, ये देख सकते कितनी पावर है, मैं आपको दिखाता हूँ। पानी अभी बॉयल हो रहा है, मगर अब मेरी इसकी डायरेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है। मैं इसकी डायरेक्ट करके एक बार देखता हूँ, मगर डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना, अरे रुक जाइए मैं ऐसे करता हूँ उसको। ऑन करके देखता हूँ, 1 2 3, गाइस बहुत से बहुत खतरनाक है ये, इसको घर में दौड़ाने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। गाइस गर्म पानी बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, बहुत जल्दी, और गाइस पानी का कलर क्या से क्या हो गया। गाइस बहुत से बहुत खतरनाक ये चीज है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसे, प्लीज प्लीज इसको घर में दौड़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए इस सॉल्ट के पानी में इतने खतरनाक तरह क्रिएट, इसलिए देखो इसमें हाई रेजिस्टेंस भी बन रही थी, इसमें फुल करंट फ्लो हो रहा था एक तरीके से, अगर इसमें 220 वोल्ट के तार डायरेक्ट डाल देंगे तो इसमें फॉल्ट हो सकता है, इसलिए इसमें फॉल्ट रेगुलर ही होगा, इसलिए 220 वोल्ट कहां जाएगा, दोनों स्टार्ट हो रहा है और दोनों फुल कनेक्शन मिल रहा है, तो पानी या बॉयल होगा या पानी में विस्फोट ही होगी, ये शॉर्ट सर्किट होगी पानी में। अगर इससे वेल्डिंग मशीन बनाई जाए तो बन सकती है, और इसमें वेल्डिंग मशीन बनाई जाए तो बन सकती है, इसमें कोई गैस निकालना चाहे तो गैस भी निकल सकती है, कोई सी गैस निकल रही है इसमें, अब मुझे नहीं पता कौन सी गैस निकल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ नमक के बदौलत हुआ है, और नमक के बदौलत वेल्डिंग मशीन बन सकती है, इसलिए जो यूट्यूब में दिखाते हैं यूट्यूब वेल्डिंग मशीन वो बन सकती है। ओके गाइज वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी बताने के लिए, बाय बाय गाइज, आपको फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में।